गाइज वेलकम बैक माय चैनल गाइज। तो आज हम करने वाले हैं एक न्यू सीजन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है थॉर एस्केप टू गॉड द गॉड बूचर। हाँ गाइज, हाँ हाँ गाइज। तो गाइज ये सीजन को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इस सीजन को कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ नहीं कर सकता। तो बस इस वीडियो को मज़े से देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट, प्लीज़ कमेंट कर देना होगा इस, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते तो मज़ा नहीं आता। बस ये तो गाइस कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना और जो जो न्यू चैनल है मेरे पे और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए गाइस, तो गाइस यहाँ पे हम स्पॉन हो चुके हैं। अबे ये कहाँ स्पॉन कर दिया, न्यू वर्ल्ड में भी हमें जगह नहीं है। ओ भाई साहब, वो काला काला क्या है? ओ भाई वो अकेले ही सबकी बैंड बजा रहे। भाई ये वर्ल्ड मुझे जैसा लग रहा है वैसा तो नहीं है, ये कुछ अलग ही वर्ल्ड है। मतलब ऐसे घर के ऊपर कौन स्पॉन होता है भाई, और ये विलेजर का घर नहीं है, ये तो कोई और ही घर है भाई। ओ भाई, तो बस फटाफट से यहाँ से लकड़ी खोद लेते क्योंकि मुझे लगता है वो जो भाई साहब, ओ भाई मुझे लगता है ये काले काले ना मुझ पर अटैक कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पे गुड़ इकट्ठे कर लेता हूँ। ओ भाई क्या है, ओ भाई भाई वो दांत देख रहे हो उनके, मुझे लगता है मुझे उस साइड से गो भाई वो मेरे को देख रहा है। इस फटाफट से भाग लेते हैं, भागो 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 भागो। ओ भाई वो तो छोटू बच्चू भी है इनका, इनके हाथ देख रहे पड़ कर रहे हैं। जल्दी से भागते हैं गाइस यहाँ से, जल्दी से जल्दी 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 बूढ़ कट्टा करते हो भाई। वहाँ पे भी वो भाई वो वहाँ पे भी है। अरे अबे ये चेस्ट कैसी यहाँ पे, यार इस चेस्ट को खोलूँ और कुछ धमाका ना हो जाए। वैसे तो ये वो वाली चेस्ट नहीं लग रही मेरे को, वो काले काले मुझ पर अटैक करे उससे पहले जल्दी चेस्ट खोलेगा। ओ भाई इतना सारा सामान, ओ भाई बुक भी है, थॉर गॉड मैसेज। ओ भाई ये कौन सा मैसेज है भाई, भाई देखते। हेलो व्रज, आई एम थॉर, आई वॉज टू टेल यू समथिंग, आई वॉज गॉड द गॉड बूचर एंड यू हेल्प मी टू एस्केप मी, यू हैव टू गो, यू टेक माई पावर्स दैट यू कम मी फॉर हेल्प, दिस is very interesting, you have to escape the level of the level and last level, you have to help me escape god the god butcher, thanks for the help, I will give you sword and food, good luck for your suffer। bhai ye to thor ka message hai, oh bhai bhai raat hone wali hai, fatafat se isme jo samaan hai wo main le leta hu guys, to free ka samaan hai guys। तो गाइस मैं आपको समझा देता हूँ कि उसमें क्या लिखा था। तो गाइस उसमें लिखा था कि गॉड द गॉड बूचर ने थॉर को पकड़ के रखा है और हमें उसको छुड़ाना है। ये कौन सी तलवार, ओ भाई वेलकम भाई साहब, ओ भाई कुछ अलग ही लेवल की तलवार है भाई। ओ भाई फटाफट से फूड ले लेते हैं यार। ओ भाई इस तलवार को पकड़ते स्ट्रेंथ स्पीड जंप बूस्ट भी मिल चुका है मुझे, लेकिन इसमें मैप तो दिया नहीं है। मुझे लगता है मुझे इसको तोड़ लेना चाहिए, मेरे साथ लेके आना चाहिए, क्या पता इस चेस्ट का मेरे काम आ जाए। ओ भाई लेकिन ये काले काले मॉन्स्टर्स भाई सब, मुझे लगता है वो गॉड बूचर के साथ ही है, मुझे यहाँ से फटाफट से निकल जाना चाहिए। ओ भाई वो तो सामने भी है, क्या इनसे मैं लड़ पाऊंगा? कोई नहीं भाई, ओ भाई मुझे लगता है मुझे यहाँ से साइड से निकल जाना चाहिए। फटक्स मुझे यार उसने मुझे मैप भी नहीं दिया,
मुझे कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। भाई ये मुझ पर अटैक कर रहा है। ओ भाई जरा इस तलवार की, अब भाई ये छोटू सा बहुत मार। ओ भाई वहाँ पे कुछ है, ओ भाई वहाँ पे कुछ तो है। ओ भाई साहब, ओ भाई भाई ये तो वो है ना, ओडिन भैया। ओ भाई साहब कितना बड़ा महल है। वो यहाँ पे कुछ लिखा है न्यू एसगार्ड। ओ भाई कुछ ज्यादा ही बड़ा है भाई। ओ भाई यहाँ पे मूर्ति खड़ी हुई है। चलो गाइस अंदर चलते, मुझे को नहीं लगता ये। ओ भाई सिपाही खड़े हैं यहाँ तो उनके। ओ भाई क्या, ओ भाई तो गाइस मुझे लगता है ये मुझसे कुछ बात करना चाहते, तो फटाफट से मैं गाइस इनसे बात कर लेता हूँ कि मुझे ये अंदर क्यों नहीं जाने देंगे अभी। अभी इनका भी कोई लोचा है तो मैं फटाक से बात करके आपको फटाक से बताता हूँ कि इसने क्या कहा। तो गाइस इसने मुझे बता दिया है कि हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये एसगार्ड है और एसगार्ड के अंदर महाराज ओडिन बैठे हुए हैं और ओडिन के आदेश में सिर्फ थॉर या फिर उनके बेटा लोकी ही अंदर आ जा सकते हैं, बाकी के कोई और बंदे अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने बोला मुझे थॉर ने भेजा, लेकिन ये लोग समझने के तैयार ही नहीं है। तो मुझे लगता है मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, क्योंकि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मैं ओडिन से बात कर पाऊंगा, ये सारा मामला मैं उनको बता पाऊंगा कि थॉर भैया जो है वो गॉड द गॉड बूचर ने अंदर फंसा दिया है उनको। तो फटाक से गाइस इसको मैं देख क्या, तो भाई इतना बड़ा है महल। ओ भाई ये स्टोन ब्रेकर लग रहा है मेरे को। ओ भाई वो पूरा, ओ भाई साहब मुझे लगता है मुझे इनसे नहीं भिड़ना चाहिए अभी, तो मुझे नहीं भिड़ना चाहिए क्योंकि ना मेरे पास अच्छा आर्मर है इनसे लड़ने के लिए। तो भाई मुझे अभी इनसे दूर ही रहना चाहिए। अरे यहाँ से बैठे बैठे फटके तो मार सकता हूँ ना। हाँ ये तो छुपी ही है भाई, बचिया यार मुझे अंदर जाना होगा। मुझे लगता है मुझे खोद के अंदर जाऊंगा मैं गाइस, उस साइड से शायद मैं खोद के चला जाऊं, क्या मालूम गाइस। वैसे भी और गाइस मुझे और एक बताना भूल गया था आपको, उन्होंने बोला था कि गॉड द गॉड बूचर यहाँ भी हमला कर चुका है और सिर्फ वो दो ही बचे हैं। मतलब भाई देख रहे हो एसगार्ड में क्या ही तबाही मच चुकी है। तो मुझे लगता है मैं यहाँ से अंदर खोज सकता हूँ। अबे भाई मैं यहाँ को माइन ही नहीं कर पा रहा हूँ। अबे यार ये देख रहे हो गाइस, भाई यहाँ पे इसको क्लिक करे जा रहा हूँ, क्लिक करे जा रहा हूँ, देख रहे हो गाइस माइन ही नहीं हो रहा, माइन ही नहीं हो रहा इसको। ओ भाई अब क्या करेंगे भाई, कोई भी ब्लॉक माइन नहीं कर पा रहे गाइस, देख रहे हो फुल सिक्योरिटी यार। अब तो अंदर जाना इम्पॉसिबल है भाई साहब, इन्होंने मुझे देख लिया। यार अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे बाहर जाऊँ यार, ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल हो चुका है। तो गाइस मैं शायद इसको पटा सकता हूँ डायमंड के लालच में, क्योंकि अभी यही दो बच्चे लौंडे तो इनको पटा सकते। तो कहीं जल्दी से मैं इस वाले बंदे से बात करके आता हूँ, दूसरे वाले बंदे हो भाई इधर देखो। तो गाइस इससे फटाक से बात करके आपको बताता हूँ। तो गाइस दूसरा बंदे ने है, जो पहला बंदा तो उसने इनकार कर दिया, वो बोल रहा है कि भाई मैं डायमंड्स नहीं ले सकता, मैं अपने मालिक का वफादार हूँ। लेकिन दूसरा बंदा मान चुका है गाइस, वो जो दूसरा बंदा है ना वो गाइस मान चुका है। उसने बोला मुझे 20 डायमंड दे दो, मैं आपको अंदर जाने का मौका दे दूँगा। लेकिन 20 डायमंड भी लाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि मुझे यहाँ से अभी माइनिंग करने जाना होगा। माइनिंग से क्या क्या करने जाना पड़ेगा। तो
मुझे नहीं लगता मुझे 20 डायमंड इकट्ठे करने चाहिए। और उसने गाइस और भी बताया कि मैं वहाँ से अगर बिल्ड करते 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 जाऊँ तो शायद अंदर पहुँच सकता हूँ, लेकिन बिल्ड करने के लिए ब्लॉक्स चाहिए और यहाँ पे कोई भी वस्तु में ब्लॉक देखो माइन नहीं कर पा रहा हूँ, ये देख रहे हो कुछ भी माइन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो अभी अंदर कैसे जाऊँ? जाऊँ जाऊँ अभी तो एक ही रास्ता है गाइस, एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। अभी गाइस मुझे रात के समय में घुसना पड़ेगा अंदर, तो गाइस अभी रात के समय को हमें इंतज़ार करते हैं, तब तक के लिए यहीं अंदर। अबे यार ये भी नहीं कूद रहा, कहाँ जाऊँ, काम करता हूँ इधर ही बैठ जाता हूँ। चलो गाइस रात का इंतज़ार करते हैं गाइस, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अंदर हम कैसे जाएं। तो गाइस चलिए रात होने का वेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत इंतज़ार करने के बाद फाइनली रात हो चुकी है। तो वहाँ पे देख रहे हो गाइस वो लोग आंखें खुली करके सो सकते हैं। हाँ गाइस ये बात आपको नहीं मालूम लेकिन वो आंखें बंद करके नहीं सो सकते, मतलब आंखें खुली करके सो सकते हैं, भाई उनका ध्यान नहीं है। यहाँ से फटक से निकल जाता हूँ क्योंकि उनकी आँख नहीं रखनी चाहिए। ओ भाई निकल गया, ओ भाई देख रहे हो पहले मैं अंदर भी नहीं घुस पा रहा था, अब मैं घुस गया, वो लोग सो रहे, आंखें खुली करके कौन सोता है भाई। ये भी एक अलग ही लेवल का भाई, ये क्या है? अरे यार ये आ गया है गाइस, हाँ मैंने तो 3 हिट में इसको दफना दिया भाई। इसको साउंड देख रहे हो गाइस क्या ही खतरनाक साउंड है। मुझे लगता है मुझे तलवार हाथ में पकड़ के ही जाने पड़ेगा। ओ यार ये काले काले हाँ ये तो मर गया। चलो गाइस फटाफट से चलते इस वे इस, चलो गाइस मुझे लगता है मुझे स्ट्रेट जाना चाहिए। ओ भाई कितना अंधेरा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को भाई, यहाँ पे डरावना सा लग रहा है। देख रहे हो गाइस यहाँ की भी माइनिंग कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं माइन कर पाते। ओ भाई ये सब क्या है? अरे यार इसका अलग ही फंड है भाई। ओ भाई ओ भाई यहाँ से तो टूटा हुआ ये ब्रिज। ओ भाई मुझे सामने जाना है, अब मैं सामने कैसे जाऊँ? अरे यार यही एक अब बचा था यार। ओ मैं इसको माइन कर पा रहा हूँ, ओ मुझे लगता है मुझे इसको माइन ही करना पड़ेगा, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। वो यहाँ तो सेकंड रेयर भी है, मैं आपको माइन कर पा रहा हूँ भाई साहब, ये एक अच्छी चीज़ है। तो गाइस ओ भाई अब मैं माइन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब सिर्फ इतनी चीज़ें को मैं माइन कर पा रहा हूँ। ओ भाई हाँ मैं माइन कर पा रहा हूँ उसको। ओ भाई ऐसे करते करते नीचे ना घुस जाऊँ मैं, फटाफट से गाइस मुझे ब्लॉक्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। अरे यार अब यहाँ माइनिंग नहीं कर पा रहे, गाइस मुझे मिल चुके कोबलस्टोन, शायद मुझे इतना काफ़ी होगा क्योंकि गाइस मुझे वहाँ तक तो जाना ही है। जय माता जी गाइस, जय माता जी, जय माता जी गाइस, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। गाइस आज तो मुझे कुछ ना कुछ करके ओडिन्स के पास मिलना ही होगा। ओ भाई क्या हो रहा है इस वर्ल्ड में गाइस, मान एक बंदा कुछ करने जाता है उसकी मदद करते आ जाते हैं कुछ भाई। 16 ब्लॉक्स बचे हैं भाई, प्लीज पहुंच जाओ तो अच्छा है।
भाई साहब क्या ही परफेक्ट ब्लॉक्स लगा के आया हूँ मैं। ओ भाई इसको भी तोड़ पा रहा हूँ, ये तो अच्छा है मैं तोड़ पा रहा हूँ इसको। भाई चलो मैं आके फाइनली मैं तलवार हाथ में पकड़ के जाता हूँ। भाई क्या है यहाँ पे, तो हैमर्स लगे हुए। ओ भाई साहब ये अलग ही भाई, पूरा महल ही अलग है। ओ भाई साहब, ओ भाई वो देख रहे हो भाई, ओडिन मिल गए भाई। फाइनली गाइस ओडिन मिल चुके हैं, और गाइस ये दोनों कुछ बातें कर रहे हैं। ओ भाई फाइनली गाइस ओडिन भैया मिल गए मेरे को। ओ भाई साहब फाइनली भाई, क्या ही ओडिन। तो गाइस क्या लगता है गाइस आपको कि मैं गॉड ऑफ मतलब ओडिन के साथ बात कर पाऊंगा क्या? मैं ओडिन को बता पाऊंगा कि उनके बेटा थॉर गॉड द गॉड बूचर के कब्जे में है क्या? गॉड द गॉड भाई, इतने बड़े ओडिन मेरी बात मानेंगे तो क्या मैं आगे के सफ़र में जा पाऊंगा? क्या मैं थॉर को बचा पाऊंगा? तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो गाइस आगे के सीज़न आगे का एपिसोड में कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो गाइस कंटिन्यू, इफ़ यू इंजॉय दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो, और गाइस मैं इस वीडियो के लाइक ही रखने वाला हूँ पूरे के पूरे 30 लाइक्स। अगर आप 30 लाइक्स करवा देते हो तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊँगा गाइस, फिर पार्ट 2 में ओडिन के साथ बात करेंगे।